शो वेलकम एवरीवन। फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है भूटान नेशनल बैंक लिमिटेड। तो भूटान नेशनल बैंक लिमिटेड बैंक पे अकाउंट जो खोलने के लिए, अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, वही फॉर्म किस तरह आपको फिल करना है वही आपको दिखाऊंगा। तो क्योंकि ये जो भूटान नेशनल बैंक जो भी ब्रांच है आपका, नज़दीकी जो भी आपका ब्रांच है, वही ब्रांच पे इस फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहीं से आपको इस फॉर्म को लेना है। लेने के बाद आपको क्या क्या लिखना है इस फॉर्म पे आपको देखेंगे ऑन स्क्रीन पे, क्योंकि आप ऑफलाइन भी फॉर्म इसको मिल जाएगा वही ब्रांच पे, भूटान नेशनल बैंक पे। तो वहीं से लेना होगा और फॉर्म को किस तरह फिल करना है ये आपको दिखाऊंगा ऑन स्क्रीन पे। आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। और जो भी भूटान बैंक का, यानी भूटान नेशनल बैंक का जो भी और कुछ और भी फॉर्म है, तो जो भी फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत हो रहा है, यानी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही फॉर्म का नाम यानी नेम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स से और सेंड कर दीजिए। तो वही फॉर्म किस तरह आपको फिल करना है मैं कंप्लीट आपका आपको दिखाऊंगा, वही फॉर्म किस तरह फिल करना है। तो चलिए आप देखेंगे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म किस तरह फिल करना है। तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो भूटान नेशनल बैंक लिमिटेड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो यही फॉर्म किस तरह फिल करना है यही आपको दिखाऊंगा। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है भूटान नेशनल बैंक एंड सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो आपको दिखाई दे रहा है जो भी ब्रांच से आप इस फॉर्म को लिया है, यानी उसका नाम इस पे लिखना है। इस पे आपको दिखाई दे रहा है इसका अपना ब्रांच का नाम इस पे लिखना है। तो अकाउंट नेम, तो सिंपली आपका अकाउंट नेम इस पे लिखना होगा। आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट नेम, तो सिंपली आपको इस डेट आपको लिखना होगा, जिन डेट पे आपको इस फॉर्म को आपको जमा करना चाहते हो वही डेट इस पे लिखना होगा। और आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल लेटर्स, सिंपली आपको कैपिटल लेटर्स पे आपको लिखना है। और इस पे दिखाई दे रहा है कस्टमर डिटेल्स, तो इस पे कस्टमर का डिटेल्स, इस पे अकाउंट नेम। तो मान लीजिए इस पे अकाउंट नेम क्या लिखेंगे, तो जो कस्टमर का नाम इस पे फिल यानी लिखना है वही कस्टमर का नाम इस पे लिखना है। इस पे कैपिटल लेटर पे आपको लिखना होगा कस्टमर आईडी। तो मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपनिंग आप लोग कर रहे हैं, तो इस पे आपको कस्टमर आईडी नहीं लिखना है, बैंक का जो काम है बैंक एम्प्लॉय का। तो थोड़ा सा आपको नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आपको क्या लिखना होगा ये आपको दिखाऊंगा। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है मेन डिटेल्स, मेन डिटेल्स अकाउंट टाइप। तो आप कौन सा टाइप अकाउंट आप करना चाहते हो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली वही बॉक्स को आपको राइट करना है। इस पे आपको दिखाई दे रहा है प्रेसिशनर सेविंग्स, प्रेसिशनर सेविंग्स एंड नॉर्मल सेविंग्स। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो इस बॉक्स पर राइट करना होगा। और आपको दिखाई दे रहा है पेन सीनियर्स, इस पे अगर आप यही अकाउंट करना चाहते हो तो इस बॉक्स पर आपको राइट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपको सेविंग्स अकाउंट करना है तो नॉर्मल सेविंग्स पे ही आपको राइट करना होगा। करेंसी, तो आपको कौन सा करेंसी आपको चाहिए वही आपको बोल रहा है, तो वही बॉक्स पे आपको राइट करना होगा। एन यू, अगर आपको एन यू चाहिए, यू एच डी चाहिए तो यू एच डी बॉक्स पे, आपका यू रोज पे आपको चाहिए तो यू रोज बॉक्स पे, जो भी है अपना हिसाब से इसको कर सकते हो। तो मोड ऑफ ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आप ज्वाइंट अकाउंट करना चाहते हो तो सिंगल अकाउंट करना चाहते हो तो सिंगल बॉक्स पे, अगर आप एनी वन अकाउंट करना चाहते हो एनी टू एंड ऑल, तो अगर आप ऑल बॉक्स पे राइट करना होगा। तो चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर वन, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर टू, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर थ्री एंड ज्वाइंट अकाउंट होल्डर फोर। तो मान लीजिए आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आपको ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का नाम इस पे लिखना होगा, इस पे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर एक नंबर पे और दो नंबर पे, नंबर थ्री एंड फोर। इस तरह आपको चारों बॉक्स पे आपको
ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होगा और इस बॉक्स को आपको ब्लैंक रख दीजिए। इसको बैंक का काम है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे पूछ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या फैसिलिटी आप लेना चाहते हो, आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या फैसिलिटी आप लेना है। जो भी फैसिलिटी लेना है वही बॉक्स पर आपको राइट करना है। मान लीजिए आप डेबिट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो यस करेंगे, अगर आप नो लेना नहीं चाहते हो तो नो बॉक्स पे राइट करेंगे। अगर आप बी वॉलेट करना चाहते हो तो यस बॉक्स पे, इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो तो यस बॉक्स पे, एम पे, तो जो भी है आप चेक बुक आपको दिखाई दे रहा है, SMS अलॉट एंड यस मोबाइल नंबर, तो जो भी आप अपना हिसाब से इसको कर दीजिए यस। अपना हिसाब से इसको यस करना पड़ेगा। और अब अगर आप इस फैसिलिटी आप लेना नहीं चाहते हो तो नो बॉक्स पे राइट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लेना नहीं चाहते हो, मान लीजिए आप SMS अलॉट है आपको लेना है तो यस बॉक्स पे राइट करेंगे, आपको नहीं लेना है तो नो बॉक्स पे राइट करेंगे। तो इसी तरह आप आपको फिल करना पड़ेगा जो जो फैसिलिटी आप लेना चाहते हो वही। चलिए नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनेशन फॉर्म, तो आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनी फॉर्म, तो जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखना है वही इस पे नॉमिनी नेम लिखना है, नॉमिनी कॉन्टैक्ट, नॉमिनी पासपोर्ट नंबर यानी CID नंबर दे सकते हो, अगर आपको पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर भी देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, जिसका अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसका साथ रिलेशन क्या है वही आपको देना पड़ेगा, और इस तो BDOD डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा। इस पे डेट ऑफ बर्थ जिसका नाम पे आपको नॉमिनी रखना है उसका ही डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा। और इस पे पूछ रहा है इसका इस पे क्या लिखेंगे। और इस पे आपको लिखना है तो जिसका नाम पे अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसका नाम इस पे लिखना है यहीं पे, तो यहीं पे आपको उसका नाम लिखेंगे, जिसका नाम पे अकाउंट हो रहा है उसका नाम इस पे लिखना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इसी तरह आपको बॉक्स 2 एंड 3 आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनी, जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखना है, नंबर 1 2 3 यहीं से आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाऊंगा क्लाइंट, आपको दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन पे आप क्या लिखेंगे। इस पे आपको नाम लिखना पड़ेगा और सिग्नेचर देना पड़ेगा, तो जिसका नाम पे अकाउंट हो रहा है उसका ही सिग्नेचर और नाम लिखना पड़ेगा, और डेट, तो जिन डेट पे आपको इस फॉर्म को जमा करना चाहते हो उसका डेट आपको देना पड़ेगा जिन डेट पे। और इस पे बोल रहा है इस पे आपको फोटो देना पड़ेगा एंड सिग्नेचर ओवर लार्जर सिस्टम, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक फोटो आपको देना पड़ेगा इस पे। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है फॉर बैंक यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बैंक यूज करेगा इसको, बैंक फिल करेगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो सिंपल से आपको कंप्लीट हो चुका है ये जो बैंक है, तो इस बैंक पे आपको कंप्लीट इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो और इसी तरह आप आपको फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यानी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है तो भूटान नेशनल बैंक लिमिटेड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो इसी तरह आप फिल कर सकते हो।